नमस्कार। खबर सिंगरौली से, जहां एक यात्री बस के पलटने से दर्जनों यात्री घायल हो गए हैं। ये यात्री बस चितरंगी से सिंगरौली की तरफ जा रही थी। मोरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत बस के ड्राइवर का संतुलन अचानक बिगड़ गया और ये बस एक तरफ झाड़ियों में जाकर गिर गई। हालांकि इस हादसे में किसी को गंभीर चोटें नहीं आई हैं, लेकिन दर्जनों यात्री हादसे में घायल हुए हैं। घटना मोरवा थाना क्षेत्र की है। घटना की सूचना लगते ही मोरवा थाना प्रभारी नागेंद्र प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे और घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। 6 लोगों की चोट आई है, मैं तो मौके पर नहीं था, लेकिन 6 लोगों को वहां ले जाकर अस्पताल पहुंचा करके दवाई करवा लिया। वहाँ हॉस्पिटल में हल्का फुल्का चोट लोगों को आई है। और ये टेलर सामने से आ रहा था और वो साइड जगह कम थी रोड में, और वो पटरी पर ड्राइवर सोचा कि पटरी पर जो है गाड़ी उतार लें, तो एक चक्का जैसे पटरी उतारा तो पटरी थी ही नहीं वहाँ, और वो झाड़ था, वो जो है जो कुथुआ वगैरह का झाड़ था, तो झाड़ में वो सोचा कि पटरी है, लेकिन पटरी नहीं होने के कारण जो है चक्का जो है करार से नीचे चला गया। तो करीब लगभग 5-6 फीट से ऊपर करार है, तो करार से गाड़ी जो है दोनों चक्का नीचे चला गया और वो गिर गई गाड़ी। तो इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश भर की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पेप्टिक टाइम। खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लें, और फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें, ताकि खबरें आपके मोबाइल तक पहुंचती रहें। नमस्कार।